एमपी के दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 50 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आईं और 6 गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया। दरअसल जबलपुर से आ रही यात्री बस और दमोह की ओर से जा रहे ट्रक में भिड़ंत हो गई। ट्रक में गार्डर भरे हुए थे। यात्री बस में अधिकांश स्कूली छात्र छात्राएं थीं। बस में तकरीबन 70 यात्री सवार थे जिनमें से 50 यात्रियों को चोटें आईं जिन्हें जबेरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। 6 गंभीर घायलों को जबलपुर रेफर किया। हादसे की खबर लगते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू किया। स्कूली शिक्षा विभाग के नुमाइंदे भी मौके पर पहुंचे और घायल स्कूली छात्र छात्राओं का इलाज करा रहे हैं। राधा ट्रेवल्स जो कि सागर से जबलपुर चलती है, इसमें लगभग 52 सीटर बस थी जिसमें 65 से 70 लोग बैठे हुए थे, उसमें से 40 लोग घायल हुए, जिसमें से मेजर जो थे 14 लोग थे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में प्रारंभिक ट्रीटमेंट देके रेफर जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और बाकी लोगों का इलाज जारी है। सभी लोग स्वस्थ हैं, ऐसी कोई गंभीर वो नहीं हो पाई है, दुर्घटना नहीं हो पाई जिससे कि किसी की कोई कैजुअलिटी हो। सभी को प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है।